सब्सक्राइब कीजिए ओनली फॉर यू चैनल को और दबा दीजिए इस बेल को, उसके बाद क्लिक कीजिए ओके पर। डेली मिलेगी आपको टेक्निकल एडवाइस। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली फॉर यू चैनल। मैं हूं भारत पटेल, आपका टेक्निकल एडवाइजर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जियो जब से मार्केट में लॉन्च हुआ है, तब से लेकर आज तक वो किसी न किसी अपडेट को लेकर सुर्खियों में रहा है, चाहे वो इंटरनेट के प्लान की बात हो, चाहे फिर स्मार्टफोन की बात हो, यहाँ तक कि उसने खुद का वायरलेस राउटर भी मार्केट में लॉन्च कर दिया है। तो अब जियो एक और नए अपडेट के साथ में आ रहा है, वो अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी में है, और वो है 4G सपोर्टेड लैपटॉप। ये दुनिया का सबसे पहला लैपटॉप होगा दोस्तों, कि जिसमें सिम कार्ड का एक अलग से स्लॉट होगा। जी हाँ, आप अपना सिम कार्ड इस लैपटॉप में डाल के इंटरनेट का मजा ले सकते हैं। तो अब इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में इसकी डिमांड होने की संभावना है, क्योंकि आज तक ऐसा लैपटॉप नहीं आया है जिसमें सिम कार्ड का स्लॉट दिया हो। इसकी डिजाइन जो है दोस्तों, मैकबुक प्रो जैसी होगी। लैपटॉप 13.3 इंच की फुल HD स्क्रीन होगी ऊपर की, और एक HD कैमरा भी लगा होगा जिससे आप वीडियो कॉल्स का मजा ले पाएंगे। कीबोर्ड में अलग से नंबर पेड नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि ये काफी स्लिम होगा। इसका जो वजन है वो करीब 1.2 किलो के करीब होगा, क्योंकि इसमें यूज की जा रही है मैग्नीशियम एलॉय बॉडी। ठीक है, इसका जो प्रोसेसर है वो होगा इंटेल पेंटियम कोड कोर प्रोसेसर, और 4GB रैम इसमें दी जा सकती है। साथ ही साथ 64GB का इसमें मल्टीमीडिया कंट्रोलर स्टोरेज दिया जाएगा, जो कि गेम्स लवर के लिए काफी अच्छी बात है। 128GB का HD स्टोरेज, मींस इसकी इनबिल्ट स्टोरेज कैपेसिटी होगी 128GB की। कनेक्टिविटी के लिए अगर आप सोचे तो इसमें 4G LTE सपोर्ट के अलावा ब्लूटूथ 4.0, USB 3.0 पोर्ट, माइक्रो HDMI पोर्ट, SD कार्ड स्लॉट और कई सारी चीजें जो नॉर्मल लैपटॉप में होती हैं, वो सब इसमें दी जाएंगी। तो इसके लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मार्केट में ये कुछ ही महीनों में लॉन्च हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज दोस्तों, इसमें जो है विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम दी जाएगी, जो कि जियो के टेस्टिंग डिपार्टमेंट से ये बात कंफर्म की गई है कि वो विंडोज 10 अपने लैपटॉप में प्रोवाइड करेगा। तो ये थी बात दोस्तों जियो के 4G सपोर्टेड लैपटॉप की। अब चलते हैं DTH की तरफ। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस जियो इसी महीने में अपनी DTH सर्विस भी स्टार्ट करने वाला है, एंड इसमें भी आपको वेलकम ऑफर दिया जाएगा, जिसके तहत आपको 3 महीने से लेकर 6 महीने तक फ्री चैनल्स दी जाएंगी। तो जियो की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है DTH के लिए, वो इसी मंथ में स्टार्ट होने वाली है, और मई के महीने में ये जो है डिलीवर होने लगेंगे। इसका DTH प्राइस है 1800 रुपया। DTH की बुकिंग जो है वो इसी मंथ से स्टार्ट होगी, जो कि आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके कंफर्म कर सकते हैं। अभी तक इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, बट कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसका जो प्लान है वो 180 रुपीज का होगा, जो कि अभी तक का सबसे सस्ता प्लान है। इसके अंदर आप 300 से ज्यादा TV चैनल्स का मजा ले पाएंगे, और उसमें 50 से ज्यादा HD चैनल्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि काफी अच्छी बात है। प्लान्स जैसा कि मैंने आपको बताया 180 रुपीज से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम 200 जितना ये जाएगा, और आप जो है DTS का मजा भी कुछ ही दिनों में ले पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी जियो की लेटेस्ट अपडेट, मींस ये दो अपने नए प्रोडक्ट, एक है 4G सपोर्टेड लैपटॉप और दूसरा है DTH केबल सर्विस। तो वेट कीजिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह से टेक्नोलॉजी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, एंड आपको जस्ट रेड बटन पर क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।